अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर से होंगे। तो जी आज जुम्मे का दिन है, आप सबको जुम्मा मुबारक। और अभी भी मैं छत पे तो नहीं आई है, कब की आई हूँ। और मैं आई थी 12:30 आई थिंक, 12:30 पे फिर मैं नीचे चले गई, फिर ऊपर आके खाई, वगैरह चीज़ें उठाई, शेप्स उठाई, और उसके बाद मैंने टेक्सचर्स उठा के रखे, क्योंकि जब टेक्सचर्स उठाती ना तो ज़मीन पर सारा टेक्सचर बिखरा होता है। तो फिर मुझे उस जगह को साफ़ करके फिर शेप्स वगैरह रख कर ही तसल्ली होती है। तो ये शेप्स उठा कर किया। देखिए आपको मैं एक चीज़ दिखाऊं, मैंने इसके अंदर ना कॉन्क्रीट ऐड किया था, उसमें ब्राउन सैंड थी कुछ कॉन्क्रीट में ना, वो जो मैंने कल ऐड किया था इस टेक्सचर में, तो ना उसके अंदर ऐड करने से ना ये देखिए टेक्स्चर का कलर थोड़ा सा चेंज हो गया, ये सब ब्राउन ब्राउन लग रहा है। अब मैं क्या करूँ, मुझे इस टेक्सचर को फिर से रीन्यू करना पड़ेगा, क्योंकि ये टेक्सचर सैंड, येलो ग्रेनी सैंड की वजह ग्रिटी मैंने रख दिया, क्योंकि इसके अंदर मैंने काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में ना वो कंक्रीट जो ऐड किया था, तो मुझे ना फिर इसके अंदर वो क्या कहते हैं ग्रेनी की जगह मैंने इसका ग्रिटी नाम रख दिया, ठीक है। क्योंकि ग्रेन्स जो होते हैं वो बिल्कुल माइनर छोटे छोटे स्टोन्स होते हैं, बिल्कुल ही कहते हैं कि बिल्कुल नज़र नहीं आती है, लेकिन होते हैं अंदर टेक्सचर के। तो इस बेस पे मैंने ना इसके अंदर जो कॉन्क्रीट ऐड किया, मैंने इसके अंदर उसको ग्रिटी नेम रख दिया। ये जो दाबड़ा इधर आपको नज़र आ रहा है, इसके अंदर वो ब्रिक्स हैं जो मैंने क्रश करनी है, और करने का मौका नहीं मुझे मिलता, क्योंकि मैं बहुत सुस्त हूँ इस मामले में, क्रशिंग के मामले में बहुत मूड से करती हूँ, ठीक है। मैंने ना क्या करना था, हाँ जी, मैंने कल प्योर सैंड की जो शेप्स थी वो बनाई थी, ठीक है। और वो डेड डेड को देखें क्या करने आई थी मैं भूल गई, जहन से निकल गया। अच्छा, ये शेप्स जो उसने ये उठा के रखी है इधर वर्क प्लेस से के, कल जो मैंने सीमेंट की क्या कहते हैं मिक्सिंग की थी, उसके बॉल्स दोबारा बना के रख दिए थे उस टेक्सचर के, ये देखें अब टोटल माशाल्लाह यहाँ पे क्या कहते हैं प्योर सीमेंट के बॉल्स हैं। और इसकी थोड़ी वाटर क्रमलिंग मैं करूँगी इंशाल्लाह ताला, ड्राई क्रमलिंग मैंने बहुत की है, तो मैं इसकी वाटर क्रमलिंग करूँगी, ठीक है ठीक है ठीक है। तो बस यही कुछ था, अब मैं ना क्या कहते हैं क्रमलिंग करेंगे व्लॉग में थोड़ी बहुत, उसके बाद व्लॉग स्टार्ट करेंगे। फिलहाल मैं थोड़ा सेटअप वगैरह कर लूँ, क्रमलिंग कौन से टेक्स्चर की करनी, मैं ना आज आपको ना इस टेक्स्चर की क्रमलिंग करके दिखाती हूँ। ये मेरा से सूख गया, तो मैं आपको इसका साउंड सुनाती हूँ, और आपको ये टेक्सचर कैसा लगा है ये भी आपने मुझे बताना है, तो मैं भी इसकी क्रमलिंग करती हूँ। और आज कौन से टेक्सचर की वीडियो बनाऊँगी ये भी मैं आपको बताती हूँ, बताती हूँ अ मिनट। ये देखिए मैंने हैंडमेड ब्लॉक्स बनाए हैं, बहुत मेहनत से बनाए हैं, और ये वाले टेक्सचर की सोच के वीडियो बना लूँ आज। चले काम पे लगते हैं, क्योंकि अब मैं फ्री हूँ, ठीक है। तो जैसे बंदा फ्री होता है फिर उसको काम पे लग जाना चाहिए, बजाय टाइम वेस्ट करने के। तो मिलते हैं आपसे फिर बाद में क्रमलिंग के साथ, ओके। हाँ, तो लोगे मुर्गी आ गई हमारे घर में, और चल अंदर टेक्सचर में, हमारे घर मुर्गी आ गई है, और इस मुर्गी ने ना चलो वापस जाओ। हाँ जी भाई, सातों के घर की मुर्गी हमारी तरफ आ गई थी, और नूर ने इतना शोर डाला, अल्लाह मेरी तौबा, मुर्गी से बेचारी ज्यादा डरी थी, से इतना वो डरी थी, मतलब कि हाँ। अच्छा जी, मुर्गी ने तो जो तूफान मचाया था यूनिक सामान ने उसे ज्यादा मचाया हुआ था। ये देखे टेक्सचर की थोड़ी डैम शेप, प्याज का कलर खराब हो गया टेक्सचर का, देखिए किस तरह का हो गया। थोड़ी ना उस टेक्सचर की क्रमलिंग करते हैं, वो वाला टेक्सचर नहीं मेरा जन्ने है। मैंने मुर्गी को तेरी गोद में फेंक देना, मुर्गी की चलिए जी इसकी क्रमलिंग करते हैं।
ये देखिए बहुत टेक्सचर जो मैंने न्यूली सब टेक्सचर्स करीब फॉर्म है, जो मैंने अपने 13 टेक्सचर्स क्रम्बल किए थे उनका टेक्सचर करीब फॉर्म है। कैसा टेक्सचर है ये? थोड़ी ना चारमल की चारमल टेक्सचर को ना क्रम्बल करने का बहुत मज़ा आता है मुझे। इसकी क्रम्बलिंग करते हैं, इसके अंदर स्टोन्स चेक करें, ऐसा ज़बरदस्त टेक्सचर है। कोशिश करते हैं, ये थोड़ा डैम्प है। थोड़ी ब्राउन डर्ट की करते हैं, ब्राउन डर्ट सैंड की, ठीक है। इसको मैं साइड पे करती हूँ, एक मिनट ज़्यादा सांसे टेक्सचर को हम समेटते जाते हैं तब तक कि अभी खलाड़ा मचता है बहुत ज़्यादा। चलिए थोड़ी हम ना ब्राउन सैंड की करते हैं, देखिए मैंने इसे जल्दी जल्दी में कर रही हूँ क्योंकि ना मैं वीडियो बना नहीं जा सकूँ। खलाड़ा जो पड़ा है मैं उसको बाद में समेट लूँगी, लेकिन अभी मुझे वीडियो की तरफ सारा कॉन्सेंट्रेशन दफा मारो भाई, नहीं बोला जा रहा। चले थोड़ी हम ना ग्रिटी सीमेंट की करते हैं, ठीक है। चलो भाई ये देखें जरा, एक दो
तीन चार, और ये तो वैसे टूटा हुआ था। हाँ जी, अब मैं ना एक और टेक्सचर भी रह गई है, एक और टेक्सचर रह गया जिसकी हम क्रमलिंग करेंगे, वो है ये वाला टेक्सचर। देखें करते हैं, ब्राउन स्टोनी डर्ट है। सही हो गया, अब मैं वीडियो बना लूँ। स्टोन चेक करें आप कितने बड़े बड़े हैं। कैसा लगा आपको मेरा न्यू टेक्सचर? चेंज है ना एक दूसरे से। चलो भाई, खराब है फेवरेट प्लेस का, अब मैं बाद में खाऊंगी। अभी मैंने ये वाइट ग्रीन सेंटी फ्लोर का मैं वीडियो बना ली। अच्छा, मैं पता क्या करने लगी, मैं ना सब टेक्सचरों में ना पानी ऐड करने लगी हूँ, ताकि ये ना मेरे जब तक वीडियो बना रही हूँ ना पानी जज़ब कर ले, फिर हम इनकी मिक्सिंग कर लेंगे बाद में। सही हो गया, ये मेरे को करती हूँ, दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, चलो मैंने इसमें पानी डाल दिया, अभी पानी सॉक कर लेंगे, बाद में इनकी वीडियो बना शेप्स बना लूँगी इंशाल्लाह। अल्लाह, बहुत थक गई मैं, ये फ्लोर क्रमिंग जो की है ना मैंने, अगर आपने इसको देखा ना आपने मिस कर देनी ऐसे ही फ्लोर क्रमिंग मैंने की है ना आज। एक मिनट, हाय सांस रुक गया मेरा, बहुत टेस्टी ये टेक्सचर, मुझे क्रमल करने का बहुत मज़ा आता है। इस टेक्सचर को मैंने क्या कहते हैं, ऐसा टेक्सचर है कि तारीफ मैं कहती हूँ, जितना ही कहते हैं जितनी चीज़ अच्छी होती है ना उतनी ही सब्सक्राइबर्स होनी, अगली क्वालिटी बता, लोग कम इसको व्यूज़ देते हैं, जबकि ये टेक्सचर बहुत अच्छा है। आई डोंट नो व्हाई बट इट्स ओके, कोई बात नहीं। मुझे फ्लोर क्रमलिंग पे आप देख लें इतना लोग व्यूज़ नहीं देते, लेकिन स्टिल मैं ऐड करती रहती हूँ क्योंकि आप सबको पसंद है, जिन जिन को पसंद है फ्लोर क्रमलिंग उनको नज़र में रखते हुए हर दफ़ा फ्लोर क्रमलिंग ऐड करती रहती हूँ अपनी वीडियोस में, क्योंकि मुझे पसंद है फ्लोर क्रमलिंग करना और आप लोगों को भी पसंद है। तो मैं फ्लोर क्रमलिंग के लिए ना बड़ा सेटअप और बहुत ज़्यादा इर्द गिर्द का शोर देख वीडियो कोशिश करती हूँ बनाऊँ, पता क्यों। अब मैं कल रैंडमली वीडियो बनाने बैठी हूँ फ्लोर क्रमलिंग के लिए, रैंडम तो नहीं मतलब कि बनाने बैठी हूँ, उस टाइम श्योर नहीं था, लेकिन जैसे मैंने वीडियो स्टार्ट की पीछे से ना बकरी की आवाज़ आ रही थी, जो नाफे खान जिससे उन्होंने नोट किया था कि पीछे से बड़ी दूर दराज से बकरी की आवाज़ आ रही थी, उनका कमेंट पढ़ के मुझे बड़ी हंसी आई। उस टाइम वाकई में मुझे सामने बकरी ने जो दो बच्चों की माँ है उसकी उस वो बहुत ऊँचा बोल रही थी, आई डोंट नो क्यों क्यों आई डोंट नो मेरे मुँह से पता नहीं क्यों वो बोल रही थी, फिर मुझसे आई नहीं करने लगा था, तो मतलब उसको शायद भूख लगी हुई थी या फिर पता नहीं कोई रीज़न था जिसकी बेस पर वो बहुत ज़्यादा ना ऊंचा बोल रही थी। तो उस टाइम वीडियो बना रही थी इसलिए मैं देखने भी नहीं गई, लेकिन वो रात में भी इसी तरह बोल रही थी, उनका जो ओनर है मकड़ी का कह रही बकरी का, वो भी उसको कह सकती क्यों इन्ना बोलनी पई है नी, पूरे महल्ले में तेरी आवाज़ जाती पई है, बकरी ना हो गई कोई लड़की होगी, नहीं चपका नहीं क्यों इन्ना उच्चा बोलनी पई है,
पूरे मोहल्ले में तेरी आवाज़ आती है भाई। मैं बोला बकरी की पूछो तो सही, उसको चाहिए क्या? मैं भी उसको भूख लगी हुई अपने बच्चों को, वो इर्द गिर्द उसके बच्चे ना, मे भी कोई तो रीज़न होगा। खैर अब मैंने इसकी फ्लोर कम्पनी कर ली, अब मैं इसको शेप्स बाद में इसकी मिक्सिंग के लिए कर दूँगी। मैंने इसकी कोई पोरिंग वोरिंग नहीं करनी क्योंकि इसकी बहुत डस्ट उड़ाई है, मैंने राज्य की डस्ट उड़ाई है। अगर ऊपर मामा या नूर होती ना, उन्होंने मुझे छड़ना नहीं था मुझे। चलिए अब हमें दूसरी वीडियो बनाने से मिलते हैं, मैं आपको ये दिखाती हूँ। दैट्स इट, और अब हम एक और वीडियो रेडी कर लें, उसके बाद इन सबकी मिक्सिंग करते हैं, मैं आपको शेप बनाते दिखाऊंगी अगर टाइम रहा तो। चले करते हैं काम। अच्छा जी, मैंने बना ली। वीडियो बना ली मैंने, अब पता नहीं मुझे रिजल्ट इसका नज़र आ रहा, वीडियो जाके पता चलेगा। आप लोगों ने ये दोनों वीडियो देखनी है, आज ही व्लॉग अपलोड करूँगी, एग्रेसिव हो गए, आज ही व्लॉग अपलोड करूँगी, आज ही जो वीडियो बनाई वो भी दोनों आज। पता मैं क्या करती हूँ, मैं कोई पिछले दिन का व्लॉग नहीं अपलोड करती, अब मैं जिस दिन जो व्लॉग नहीं आता ना और जो वीडियोज बनाई होती, वीडियोज़ तो मैं डेली वही बनाती अपलोड करती हूँ जो मैं डेली बनाती हूँ, मैं पहले से बना के नहीं रखी होती क्योंकि मुझसे उसका काम नहीं हो पाता है। और ब्लॉग भी मैं जिस दिन बनाया होता उसी दिन अपलोड कर देती हूँ। अब तो ये फ्रेश ही माल होता है ब्लॉग के अंदर, और फ्रेश ही वीडियोज़ होती हैं जो मैं डेली बना के डाल देती हूँ। ठीक है, अब हम मिक्सिंग कर लें टेक्स्चरों की। वीडियोज़ हमने बना ली है अल्हम्दुलिल्लाह। जो मैंने खिलाड़े हैं मैं आपको बड़े प्लेस की एक दफ़ा नज़र दिखाती हूँ, हाथ धो लूँ फिर आपको दिखाती हूँ कितना खिलाड़ डाला हुआ। एक मिनट, ये देखिए जी, अब मैं इधर डर्ट इकट्ठी कर लूँ फिर मैं ना टेक्स्चर मिक्स करती हूँ। अब हमने टेक्स्चर की मिक्सिंग करी जाते हैं साथ साथ, और शेप्स बना के रखे जाते हैं जल्दी जल्दी से। माइक नाराज हो गया मेरा, मैं शेप्स बनाते हैं दिखाती हूँ फिर टाइम लग जाएगा, वीडियो मिक्सिंग करते हुए दिखाती जाती हूँ। एक मिनट, मेरे हाथ भी धोने पड़ेंगे ना, ये जो ब्राउन वाले ना उनको ऐसे ही मिक्स कर लेती हूँ क्योंकि उनका ब्राउन कलर है। ओके ओके, इधर हो भाई, किधर तुमने बूथा अपना किया हुआ है? हो गया, अब कौन सा मिक्स करना था? उस गंदे टेक्सचर में तो रहने दो, पीला होने वाला है। आई डोंट लाइक दिस कलर दिस टाइम बिकॉज आई डोंट लाइक, दैट्स इट। क्या खुशबू है, अब ब्लैक वाले को कर लेते हैं। कितना भाई गंदे डालो भाई, अनएक्सपेक्टेड था ये भाई। अब इसको कर लेते हैं, काले को तो हम जिस तरह मर्जी कर ले, काले ने काला ही रहना है, उन्होंने नहीं फर्क पैंदा। अब मैं ग्रिटी सीमेंट की दफ़ा हाथ धो के आने पड़ेंगे क्योंकि वो दूसरे का लड़का है। सही है, मैं हैंड वॉश करा। चलिए हम इसको मिक्स कर लेते हैं अब। ठीक है,
देखा नहीं है मगर हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। मुझे आगे नात नहीं आ रही है, नात पड़ा था मस्जिद में तो मुझे आवाज़ आई तो मेरा भी दिल किया मैं भी पढ़ूँ। चलो जी हो गया मिक्स। अब मैंने क्या करना था, हाथों वाश करना, फिर आनी है मैं पक्का आनी है इंशाल्लाह। आप ही आज मैंने बहुत खराब डाल लिया है। वीडियो भी बना ली और खलाड़ा देखे मैंने उठाना सारा। अच्छा ये देखे नाजरीन, यकीन करे इतना खलाड़ा पाया तू चूड़िए, देख जरा अपने काम, तू जगह जगह तू छापे ला दी तेने टेक्सटाइल दे बांदरी है हूँ इन कौन बनावेगा, तू बनाएगी और कौन बनाएगा, चल लग काम से। गाइस मैं क्या करूँ मैं अब मेरे को अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं, इसको तोड़ दे। ऐ तो टूट भी नहीं पाई बांदरी, भाई ये बहुत खटिया ईंट का टूट है, ये इसके ना रेड ग्रिटी टेक्सचर आएंगे इंशाल्लाह। काम तो हमने करना है, जिसको क्या फालतू काम लगी हूँ करने। चले भाई मिलते हैं आपसे, फिर मैं इसकी ना मिक्सिंग करते हुए आपको दिखा दूँ, हैं फिर एंड करती हूँ ब्लॉग को, 1 मिनट में पानी लेकर आती हूँ। अच्छा ये देखिए मैं पानी ले आई हूँ, सलामत रहे हम पानी नदियों पार सजंदा वेड़ा। अच्छा ये देखिए नदी ना बह जाए हमारी, लेट्स स्टार्ट 1 मिनट। चलो भाई हमने कर लिया है वाटर पोरिंग एट दिस मोमेंट, लासों में मेरी दस्ते जा रही है, 1 मिनट में अपनी। हाँ जी वीडियो बना रही हूँ। हाँ वीडियो बना रही हूँ। ये पोड़िंग का बेस्ट तरीका, इससे टेक्सचर भी मिक्स हो जाता है, मज़े भी आ जाते हैं साउंड के, और पानी दूधते हैं हम, पानी काटा और पाते हैं। वेट चलो बड़ा माड़ो आजू बाजू बैठ के क्रमिंग करें, आई मीन पोरिंग, बाहर निकलो। भाई अगर पानी लीक हो गया ना पीछे प्योर सीमेंट का टेक्सचर पड़ा हुआ, सच में बैंड बज जाएंगे।
ये क्या मैंने कमोड बना दिया, कमोड से बन गया गाइस। कैसा पैसा रे, मिक्सिंग चलो हो गया टेक्सचर मिक्स। मैं आपसे लूँगी अभी इजाज़त क्योंकि इसको मैंने पूरा मिक्स करते नहीं दिखा सकती क्योंकि टाइम नहीं है, पीछे अंधेरा होने वाला है। जल्दी से टेक्सचर को निपटा लूँ और आपसे मिलूंगी कल के व्लॉग में। मैं बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, मैं भी आपको रखूँगी इंशाल्लाह दुआ में याद, इतना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए माज़रत। अल्लाह हाफिज़।